महापौर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अध्यादेश। तो भोपाल से बड़ी खबर है, महापौर अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए अध्यादेश। आज अध्यादेश को मिल सकती है अनुमति। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की थी। अनुमति के लिए राज्यपाल को अध्यादेश का प्रारूप तैयार किया गया है, भेजा गया है। सरकार ने तय कर लिया है, नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष के चुनाव सीधे मतदाताओं के माध्यम से कराए जाएंगे। कमलनाथ सरकार ने अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था पहले लागू की थी। विधानसभा सत्र नहीं होने से समन्वय में अनुमोदन को लेकर अध्यादेश लाया जा रहा है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ बने हुए। अनुराग, क्या कुछ प्रारूप तैयार हुआ है, क्या रूपरेखा तैयार हुई है, जिस तरह से राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस कोशिश में रही है कि महापौर हो, नगरपालिका अध्यक्ष हो या नगर पंचायत अध्यक्ष हो, इनके चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए, यानी कि जनता इनको सीधा चुने। लेकिन कमलनाथ सरकार जब आई थी तो बदल दिया गया था इस फॉर्मेट को और पार्षदों के जरिए इनके चुनाव की प्रक्रिया को जो है अपनाया गया था। लेकिन उसके बाद में विधानसभा में बिल लाने के लाकर इसको जो है बदलने की फिर से कवायद शुरू की गई, लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र उस तरीके से हो नहीं पाए, समय नहीं मिला, तो राज्य सरकार अब दूसरी बार अध्यादेश लाने जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने विधि विभाग को यह अध्यादेश भेज दिया था। अध्यादेश को जो है विधि विभाग ने भी जो है अब पूरी तरह से इस फॉर्मेट को, इस खाके को तैयार करके अनुमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मुलाकात हुई थी और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस अध्यादेश पर मोहर लग जाएगी और मध्य प्रदेश में जो संभावना बताई जा रही है कि एक आध हफ्ते के भीतर अगर तारीखों की घोषणा होती है निकाय चुनाव को लेकर, तो फिर उसमें प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी कि महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता चुनेगी। तो बिल्कुल, इस अध्यादेश को अनुमति मिलती है या नहीं फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए और बने रहिए आप हमारे साथ।